हजारों रुपए खर्च होने वाला जो आप ट्रीटमेंट लेती हो पार्लर में जाकर, वो ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है इस पैक से। ये देखो गाइज, इसके रिजल्ट देखो आप। 30 की एज आते आते अक्सर महिलाएं अपनी स्किन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगती हैं, क्योंकि इस एज में, इस उम्र में उनके चेहरे पे झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस, दाग धब्बे और बहुत सारे उम्र के ऐसे निशान आने लगते हैं जिनको वो कभी भी नहीं देखना चाहती हैं। इसको ख़त्म करने के लिए अगर आप पार्लर जाती हैं, कोई महंगा वाला फेशियल कराती है, तो उसमें ढेर सारा पैसा खर्च होता है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर महीने आप जाकर पार्लर में ढेर सारा पैसा खर्च करें। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा फेस पैक जिसको आप यूज़ करोगी तो ना तो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आने वाली है, ना रिंकल्स आने वाली है, ना एज स्पॉट दिखेंगे, हमेशा चेहरे का ग्लो बरकरार रहेगा, चेहरे पे नेचुरल शाइन रहेगी। और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव है गाइस कि इसके लगातार इस्तेमाल से आप देखोगे कि आपकी स्किन रिजुविनेट होती चली जा रही है, आपकी स्किन डे बाय डे बैक होती चली जा रही है, आपकी उम्र रिवर्स होती चली जा रही है, क्योंकि ये एक एक बेहतरीन एंटी एजिंग पैक है। और इसको मैंने अपने मम्मा के ऊपर जब ट्राई किया था तो इतने गजब के रिजल्ट उनको सिर्फ एक हफ्ते में दिखाई दिए थे कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी। ठीक है, तो आज वही पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो विद बेल आइकन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इसी तरह की वीडियोस मैं चैनल पर लेकर आती हूँ। चलिए देख लेते हैं कि ये पैक हमें किस तरह से बनाना है। तो ये पैक जो हम बनाने वाले हैं गाइस, इसमें जितनी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे, इसमें से शायद ही कोई चीज़ हो जो आपके घर में अवेलेबल ना हो, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दी राइस फ्लोर का लिंक दे दीजिए, कहाँ से हम बाय कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ कि इसको आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में जो भी चावल बनाए जाते हैं, जिनको भी आप खाती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़े से चावल ले लें, उसमें देख लें धूल मिट्टी या फिर कंकर वगैरह हो तो उनको निकाल दीजिए, चावलों को अच्छी तरह से वॉश कीजिए, वॉश करने के बाद उनको सुखा लीजिए और उसको ग्राइंडर में महीन फाइन पाउडर बनाकर आप स्टोर करके रख लीजिए। मैं हमेशा चावल का आटा बनाकर रख लेती हूँ क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करती रहती हूँ अपनी स्किन के ऊपर भी और आप लोगों के लिए DIYs जो लेकर आती हूँ उसमें भी। अब ये चावल क्या करता है, चावल बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, एंटी एजिंग की तरह काम आता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, रिंकल्स फ्री बनाता है, साथ ही साथ आपके ओपन पोर्स जो हो जाते हैं उनको श्रिंक करता है। कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स का खजाना है गाइस, क्योंकि आपने देखा होगा कोरियंस की स्किन के ऊपर एक झुर्री नहीं दिखाई देती, वजह उसकी ये है कि वो चावलों का इस्तेमाल जो है ना भर भर कर अपनी स्किन के ऊपर करती हैं। उनके जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें वे चावल इस्तेमाल करती हैं, चावल का आटा लगाती हैं, चावल का पानी यूज़ करती हैं, क्योंकि इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को यंग, टाइट और फर्म करता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आपको क्या करना है, इस तरह का चावल का आटा बना लीजिए। यहाँ पे आज इस पैक को बनाने के लिए मैं अपना फेवरेट वाला बाउल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि भाई अगर पैक हमारा अच्छे से बाउल में बनता है ना तो वो देखने में भी अच्छा लगता है और मज़ा भी आता है उसे लगाने में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 2 टीस्पून आप लोगी राइस फ्लोर यानी चावल का आटा, ठीक है। यहाँ पे 2 चम्मच मैं लिए ले रही हूँ चावल का आटा। अच्छा, ये जो पैक हम बनाने वाले हैं ये आपको रोज़ रोज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप बना लेना और 3 से 4 दिनों के लिए स्टोर करके आप इसको रख सकती हो, ये आपका ख़राब नहीं होगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है शहद यानी हनी का। जी हाँ, हनी के अंदर सिलिकॉन पाया जाता है जो कि हमारी स्किन को बोटॉक्स वाला इफेक्ट देता है, साथ ही साथ स्किन को टाइट करता है, रिंकल्स फ्री बनाता है, झुर्रियों को ख़त्म करता है और चेहरे के ऊपर मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेना है प्योर वाला हनी शहद ले लीजिए। कितना ऐड करना है, तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे शहद। ये थोड़ा ही सा बचा था तो मैंने सोचा पहले इसे ही यूज़ कर लूँ, ठीक है। 1 चम्मच मैंने इसमें शहद डाल दिया। अब थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें मैं आपको 2-3 ऑप्शन दिए दे रही हूँ, वो आप यूज़ करना, ठीक है। पहला ऑप्शन है, या तो आप इसमें ऐड करोगी आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल, अगर बादाम का तेल नहीं है
तो आप इसमें यूज़ कर सकती हो प्योर घी, यानी जो देसी घी होता है उसका इस्तेमाल आप कर सकती हो, क्योंकि देसी घी आपकी स्किन के ऊपर चमक लेकर आता है गाइज, और देसी घी के हमारी स्किन के ऊपर बहुत मैजिकल रिजल्ट होते हैं। अगर आपको झुर्रियाँ हैं, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट है, तो ये उन चीज़ों को ख़त्म करता है और आपके चेहरे के रंग को निखारता है, चेहरे को बहुत प्यारी सी शाइन देता है। ठीक है, तो मेरे पास अभी प्योर देसी घी अवेलेबल नहीं था तो मैं उसका यूज़ नहीं कर रही हूँ। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कोकोनट ऑयल। ठीक है, नारियल का तेल आप सिंपल वाला ले लेना और इसमें आपको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल का। तो मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कितना डालना है, तकरीबन एक चम्मच आपको इसमें कोकोनट ऑयल की ऐड कर देनी है। अब ये क्या करेगा, ये आपके चेहरे के खोए हुए ग्लो को वापस लेकर आएगा, चेहरे पे चमक लेकर आएगा। झुर्रियों के लिए रामबाण इलाज है और आपके चेहरे की स्किन को ना ये टाइट करता है और झुर्रियों को चेहरे से हटाता है। ठीक है, एक चम्मच हमने इसमें ऐड कर लिया कोकोनट ऑयल को। अगर आप घी यूज़ कर रही हैं तो एक चम्मच घी डाल लीजिए, अगर आप बादाम तेल डाल रही हैं तो एक चम्मच आप बादाम का तेल डालेंगी। जो भी ले रही हैं वो 1 टीस्पून ही आपको लेना है। अब यहाँ पे फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हम यूज़ करने वाले हैं, खट्टा वाला दही आपको लेना है। जितना खट्टा दही होगा उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके अंदर मौजूद होता है लैक्टिक एसिड, जो कि हमारी स्किन के लिए बेमिसाल एंटी एजिंग का काम करता है। ठीक है, और चेहरे के ग्लो को बढ़ाता है, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, ब्लैमिशेस खत्म करता है, दाग धब्बे हटाता है, स्पॉट को ख़त्म करता है और ये चेहरे के ग्लो को भर भर कर लेकर आता है। तो आपको कितना दही इसमें ऐड करना है, जितना कि हमारा अच्छा सा पैक बन जाए। अब लास्ट में यहाँ पे एक और मैजिकल इंग्रेडिएंट्स इस फेस पैक के रिजल्ट को और भी अच्छा लाने के लिए हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल। जी हाँ, इनका ऑयल हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत कमाल का काम करता है। विटामिन ई से भरपूर ये ऑयल जो है ना, ईवियन 400 है, इनको आप ले लेना। अच्छा, रंग को निखारने के लिए भी ये पैक बहुत अच्छा काम करने वाला है। अगर आपकी स्किन डल है, बुझी बुझी है, तो वो भी बहुत अच्छे से आपकी स्किन को निखार देगा, क्योंकि चावल का आटा आपकी स्किन को गोरा भी करता है, रंग को भी निखारता है। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लो ना। जब आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से स्पून से मिक्स करोगी ना, तो आप देखोगे बहुत प्यारा सा क्रीमी टेक्सचर में एक हमारा स्मूथ सा ये पैक बनकर तैयार है। आप देख रही हो ना कितना प्यारा ये लग रहा है, बट उससे प्यारे रिजल्ट हमारी स्किन के ऊपर आने वाले हैं। चलिए फटाफट से बताती हूँ कि इसको आपको लगाना किस तरह से है। पैक को लगाने से पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चेहरे के ऊपर कोई मेकअप प्रोडक्ट नहीं लगा होना चाहिए, कोई क्रीम या फिर पाउडर या फिर लोशन इस तरह का नहीं लगा होना चाहिए। हमारा चेहरा जब बिल्कुल क्लीन रहता है और उसके ऊपर जब पैक लगाते हैं या कोई भी चीज़ आप अप्लाई करते हो, तभी उसके रिजल्ट आपको दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हॉट टॉवल लिया है मैंने, हल्के गुनगुने पानी में इस टॉवल को मैंने डिप करके अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पैक की एप्लीकेशन आपको करनी है। अच्छा, इस पैक को आप अपने नेक पे भी ज़रूर लगाओगे। नेक पे भी अगर आप लगाते हो ना, तो आपको नेक पे झुर्रियाँ नहीं दिखाई पड़ती हैं, बहुत अच्छा पैक है। तो यहाँ पे आपको इसको लगाने में कोई कंजूसी नहीं करनी है, आपको इसको अच्छे से मोटी सी थिक लेयर लगानी है, ताकि ये पैक हमारा अच्छे से हमारी स्किन के ऊपर वर्क करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से फैलाते हुए आप अपने चेहरे पे लगाना। चाहे तो आप ब्रश की हेल्प ले सकती हैं, बट मुझे ना सबसे अच्छा लगता है अपने स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ लगाने में हाथों से एप्लीकेशन में करती हूँ, क्योंकि हाथों से ना बहुत अच्छे से एक सार होकर पैक लग जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाथ से ही लगा रही हूँ। नेक के ऊपर भी आप इसकी एप्लीकेशन जब करोगी तो इस तरह से करना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऊपर की तरफ आप करोगी। यहाँ पे ये पैक मैंने लगा लिया है और इसको तकरीबन आपको 20 से 25 मिनट तक अपनी स्किन के ऊपर लगाकर छोड़ देना है। तब तक जो भी आपका काम है आप निपटाती रहिए कि पैक आपका लगा रहेगा। 20 से 25 मिनट के अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर लेगी, तब हम इसको हटाएंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे 25 मिनट के बाद। 25 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, ये पैक देखिए इस तरह से सेमी ड्राई हुआ है, पूरी तरह से अभी सूखा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल है हमारी स्किन को, जो कि ड्राई नहीं होने देगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकती हैं ये पैक अच्छे से मैंने 25 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया था। अभी आपको इस पैक को हटाना नहीं है, हटाने से पहले एक छोटा सा प्रोसेस आपको करना है। हाथों को आप अच्छे से गीला कर लीजिए और गीला करके आपको इस पैक से अपने फेस के ऊपर मसाज करना है। ठीक है,
हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में गोल 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 इस तरह से घुमाते हुए आपको मसाज करना है, ठीक है। ये देखिए, ज्यादा कस के रगड़ना नहीं, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना। यहाँ पे एक मिनट का हल्के हाथों से मसाज किया गोलाई में गोल गोल घुमाते हुए, और चलिए इस पैक को हटाते हैं। इस पैक को हटाने में आपको ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाती हूँ, एक्चुअल में क्या रिजल्ट आया है गाइस स्किन के ऊपर। ये देखें, मतलब आपकी स्किन इतना ज़्यादा टाइट, इतना ज़्यादा फर्म हो जाने वाली है। ये पैक आपके पैसे ना बचा दे, हज़ारों रुपए खर्च होने वाला जो आप ट्रीटमेंट लेती हो पार्लर में जाकर, वो ट्रीटमेंट आपको मिलने वाला है इस पैक से। ये देखो गाइज, इसके रिजल्ट देखो आप, स्किन कितनी ज़्यादा टाइट दिख रही है, बहुत अच्छे से फर्म हो गई है स्किन मेरी, और यहाँ पर इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से वॉश करती हूँ ठंडे पानी की छींटे मारते हुए, और फिर इसका फाइनल रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइज, इस पैक को हटाते ही इस पैक ने इतना ज़्यादा स्किन को सॉफ्ट, इतना ज़्यादा ग्लोइंग, इतना ज़्यादा हाइड्रेट कर दिया है, और स्किन को इतना ज़्यादा टाइट और फर्म कर दिया है। यानी जो छोटे छोटे से महीन पोर्स आपको अपनी स्किन के ऊपर दिखते हैं, वो भी आपके बंद हो जाने वाले हैं। और ये हर महिला के लिए इतना ज़बरदस्त काम करने वाला है। एंटी एजिंग है, 30 प्लस हो चुकी हैं, 25 प्लस हो चुकी हैं, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इस पैक के मैजिकल रिजल्ट आपके सामने, ये आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा शाइन कर रही है गाइस, कि इसको लगाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और सच में स्किन बहुत ज़्यादा सफल नज़र आ रही है। आपको साफ नज़र आ रहा होगा, ग्लो कितना भर कर आया है और स्किन फर्म कितना लग रही है, ये आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना है कि इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये नाइट जेल, जिसका आजकल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत जल्द इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत जल्द 102 दिन में ये रिव्यू मैं शेयर करूँगी। ये नाइट जेल मैं लगा रही हूँ अपनी स्किन के ऊपर, ये एंटी एजिंग नाइट जेल है, ठीक है। ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको नाइट में अप्लाई कर रही हूँ। आपके पास कोई सा भी सीरम रखा हुआ है, या मेरा पोटैटो सीरम रखा है वो आप लगा सकती हो, या फिर कोई भी एंटी एजिंग क्रीम आप यूज़ करती हो वो आप लगा सकती हो, कोई भी नाइट क्रीम आप लगाना चाहती हो वो इसके बाद लगा लीजिए। बट इसके बाद आपको सोप या फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। पैक आपके चेहरे से महीन झुर्रियाँ, रिंकल्स, फाइन लाइंस, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, ये सारी ख़त्म करेगा, चेहरे के ग्लो को बढ़ाएगा, चेहरे पे बहुत प्यारा सा चार्म लेकर आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो स्किन इतना ज़्यादा हाइड्रेट, सॉफ्ट एंड सफल लग रही है। मुझे आज मेरी स्किन से प्यार हो गया, सच बताऊँ इतनी प्यारी स्किन मुझे नज़र आ रही है गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती। रिजल्ट आप सामने सामने देख पा रहे होंगे, इस पैक को एक बार लगाने से ही कितने गजब के रिजल्ट मुझे मिले हैं, ठीक है। बट ये पैक सिर्फ एक बार में काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको इस पैक को डेली यूज़ करना है, नाइट में यूज़ कीजिए। नाइट में हमारी स्किन खुलकर सांस लेती है, स्किन रिजुविनेट होती है, नए सेल्स बनते हैं, इसलिए इस पैक को नाइट में आप लगाएंगी, और ये आपके चेहरे पर ग्लो बहुत अच्छा लेकर आने वाला है, ठीक है। अगर आपकी एज 18 प्लस हो चुकी है, 20 प्लस हो चुकी है, तो आप इस पैक का इस्तेमाल कर सकती हो। 60 प्लस भी हो चुकी है तो भी ये पैक आपके लिए बहुत अमेजिंग काम करने वाला है, ठीक है। तो इस पैक को आप लगाइए, मैं तो कहती हूँ अभी जाकर किचन में ये पैक बनाइए, जल्दी से ट्राई कीजिए, रिजल्ट शेयर कीजिए। मुझे आपके फीडबैक का, रिजल्ट का हमेशा इंतजार रहता है गाइस। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए चैनल पर लेकर आने वाली हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, किसी अच्छे से ब्यूटी टिप्स के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।